फरवरी को पुलवामा शहीद किसान शहीदों के लिए यात्रा निकलेगी सर, 18 फरवरी को रेल रोकी जाएगी, राजस्थान में टोल फ्री किए जाएंगे, कैसे देखते हैं? बड़ी घोषणाएं हैं सर। हाँ, ट्रेन का है, टोल का तो नहीं राजस्थान में। हाँ, अभी उसकी टोल तो शायद वहाँ से नहीं। हाँ, और ट्रेन का है, 4 घंटे का ट्रेन का तो नहीं। किसान महापंचायत कर रहे हैं सर, और लोग कह रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी जनसभा नहीं कर सकते जितनी राकेश टिकैत कर सकते हैं, तो सत्ता को भय तो कम से कम आपकी पंचायतों से हो चला है। हमें किसी को भय दिखाना, हमारा तो ये है कि काम करो। हाँ, हमारा काम करो, जो किसानों के इशू है वो करो। हाँ, सत्ता जिसको कर रही है वो सत्ता का बड़ा काम करेगा, हमारे इसमें कोई वोट तलाश नहीं है। किसानों का आंदोलन है, किसानों का ही रहेगा सर। किसान महापंचायत कहीं पॉलिटिकल उस पर तो तब्दील नहीं हो जाएगी? नहीं, नहीं, हमने बता दिया ना कि नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल रहेगा ना। यहाँ पे कोई वोट तलाश नहीं, ये तो रोटी का आंदोलन है। हाँ, रोटी कैसे बचेगी? आंदोलन तो अब कितने आश्वस्त है आंदोलन को लेकर, अब कितने आश्वस्त है? क्योंकि लोकसभा में तो अभी भी कहा जा रहा है कि SY मांग लेना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार तो वही खड़ी है कि किसी तरह हरियाणा पंजाब की एकता दूर की जाए। हरियाणा पंजाब टूटर नहीं है, किसान टूटर है ना, हमारी 40 से पाबंदी है वो, कोई कमजोर खड़ी नहीं है। और हमने फिर कहा है कि सरकार बात करें। आपने बड़ी घोषणा कर दी है कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर निकलूंगा। नहीं, 40 लाख ट्रैक्टर लेकर नहीं निकलेगा, ये कहा है कि जो इस मूवमेंट से जुड़ेगा उनका टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है। जो भी आंदोलन से जुड़ेगा वो कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर आए, जहाँ जहाँ भी मीटिंग होगी, जो इस आंदोलन के माध्यम से जुड़ेंगे उनकी संख्या 40 लाख के आसपास होगी। अब कितना निर्णायक मोड़ पे आंदोलन को मानते हैं? राकेश टिकैत कितना आश्वस्त है कि किसानों की लड़ाई है वो कामयाब होने वाली है? कामयाब तो होगी, कहाँ आएगी कामयाब? कब होगी सर? देश को आज़ादी में 90 वर्ष। हाँ, इसको तो अभी 35 साल। हाँ, तो किसानों की बड़ी लड़ाई है और बड़े पॉलिसी फैसले हैं सरकार के, इसमें टाइम तो लगता है। कितना टाइम मानते हैं सर? 2 अक्टूबर तक तो आपने बता दिया। अरे उससे आगे भी चलेगा, उससे भी आगे चलेगा। 2024 तक क्या बता भी आ जाए। अच्छा, राकेश टिकैत का जादू है लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है? नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं ही किसानों के यही मजे लिए काम है। मैं भी लड़ाई लड़ू, मेरा भी भुगतान रुके हुए। हाँ, गन्ने की इसकी धान की खेती करे। हाँ, किसान इसका कोई नेता ही नहीं, इसके सारे जो हल चलाता होगा इसका। ये आंदोलन हाड़ी और पाड़ी का आंदोलन है। हाँ, इसको कोई फल नहीं फैल नहीं करने का। हाँ, जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि टिकैत साहब बातचीत कर लीजिए, फोन हम दूर हैं, बुजुर्ग किसान घर चले जाए हैं, आप लोग भी आंदोलन खत्म कर दो, बातचीत से देख लेंगे। क्या बरगलाने की नीति मानते हैं प्रधानमंत्री? बुजुर्ग नाम के, बुजुर्ग के किसान के नाम तो जमीन है। हाँ, क्या घर जा रहे तो अब तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी राकेश टिकैत आमने सामने हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई आमने सामने क्रम आमने सामने। महापंचायत का दौर चलता रहेगा और कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात में प्रोग्राम आप बार बार कह रहे हैं सर आखिरी लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी जमीन की आखिरी लड़ाई है, क्या वाकई में मामला इतना सीरियस है कि पूरी तरीके से लड़नी पड़ेगी? रोटी तिजोरी में बंद होगी, भूख पे देश में व्यापार होगा, सब चीजों पे उन्नत कर दिया, अब भूख बची थी, भावनाओं पे व्यापार कर दिया, भावनाओं पर सरकारें बन गई, अब भूख पे देश में व्यापार नहीं, भूख कितनी लगेगी उसकी कीमतें तय नहीं होगी, भूख पे कोई देश में व्यापार नहीं करने देंगे। कटीले तार लगा दिए आप, गुलाब का फूल लगा रहे हैं, वो कटीले तार ये है कि वो कटीले तार अनाज के साथ रखते हैं, तो मॉडल ये होगा, वो कटीले तार है अनाज के साथ होगा, बाद ये चौधरी राकेश टिकैत से सिंपल इंसान है।
सर लोगों के बीच भी बैठे हैं चौधरी साहब, आपका जो किसान खाना लेकर है सरल है सिंपल है, क्या हर रोज ही हम तो साथ जाते हैं पूरे हरियाणा में, हर रोज ही ऐसे ही खाते हैं, नीचे बैठ के कभी गाड़ी के ऊपर भी कोई रोटी पकड़ा देता वहाँ भी खा लेते हैं, जैसा भी शेड्यूल होता है वैसे ही वहीं बैठ के जो घर में बना हुआ होता है। सुबह जो तब फोन गया तो हम सभी के पास फोन गया, इकट्ठे बैठे थे भाई घर में जो भी कुछ, हम 15 मिनट के अंदर यहाँ आ गए, जिसके घर में जो कुछ था सभी भाई लेकर आए हैं, ये पूरे गांव से हम जो लस्सी इकट्ठी करते हैं उसी को हम यहाँ ले आए, क्यों हम ये टीकरी बॉर्डर डासा बॉर्डर हर जगह ये लस्सी भेजते हैं पूरे गाँव से इकट्ठी करके, वो वही लस्सी यहाँ लेकर, ये पूरे गाँव से इकट्ठी की हुई लस्सी थी और ये 10 या 11 घरों से आया हुआ भोजन था, तुरंत जिसके घर में जो था वही लेके हम दौड़ पड़े, कोई डिमांड नहीं थी। नहीं डिमांड नहीं है, ये बोला था जो भी अचार रोटी जैसे हो जल्दी आ जाओ 10 मिनट में हमारे। जी बिल्कुल, ये अगर यही होटल का होता तो ये कम से कम 5,000 रुपए का था, 5,000 रुपए कहाँ से आएंगे, होटल 5,000 रुपए हमने 5,000 रुपए बचाए और जिस घर की रोटी खाई वो आंदोलन से जुड़ गया, जो लोग लेकर आए वो आंदोलन से जुड़ गया, और जिस माता ने रोटी बना कर दी मिलते हैं वो हमेशा 25 साल तक इस आंदोलन से आंदोलन। चर्चा हो रही है ना चौधरी साहब आपकी कि सिंपल चटनी रोटी खा लेते हैं, सिंपल ही किसानों की चाय पी लेते हैं, सिंपल ही तो खाते हैं। देखो मिट्टी से उगा हुआ